जैन जो कभी सुस्त और काहिल हुआ करता था, देखते ही देखते टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध की बदौलत बन गया मिल्कटियर, और उसे मिल्कटियर बनाया फिजा ने, जो खुद भी थी एक मिल्कटियर। और फिर इन दोनों ने अपनी इस ताकत को इस्तेमाल किया खड़ूस के खिलाफ, जो अपने चेलों अधे पव्वे और घपलू के साथ मिलकर नाकिस और गैर मियारी दूध के जरिए खुद पैसे कमाने और लोगों को बीमार करने के मंसूबे पर अमल कर रहा था। लेकिन इनकी साजिश का रास्ता रोका मिल्कटियर ने। खड़ूस और उसके चेलों और मिल्कटियर के दरमियान कई बार जंग हुई, और आखिरकार मिल्कटियर की बहादुरी की वजह से खड़ूस और उसके चेलों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। सब लोगों का ख्याल था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर अचानक खड़ूस के एक बहुत ही खतरनाक साथी खरतूस की मदद से वो सब के सब जेल से फरार होने में कामयाब हो गए, और अब उनका मंसूबा पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। बताओ ना कुजिन, क्या हुआ था? 5 खतरनाक गुंडे और फिजा बिचारी अकेली थर थर कांप रही थी। क्या? मैं कांप रही थी? आपका भाई चीते की तरह झपटा उन्हें। दूर दिश देखा का, और 5 सेकंड में 5 गुंडे चित। और क्या? अभी बताती हूँ उसको। जैन, ओए ये फिजा कहाँ से आ गई? कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? शेख चिल्ली इधर आओ। दोस्तों ये सिर्फ शो मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में मैं इनको ये बता रहा था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मोमो आइए कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन लेके। मोमो आगे जैन। सुनो एक खतरनाक खबर ये है कि खरूस और उसके साथी जेल से फरार हो गए हैं। ओह नो, अब हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि वो यकीनन कोई ना कोई नई चाल जरूर चलेंगे। यानी उनसे एक बार मुकाबला और होगा तो हो जाए। एक बात सब कान खोल के सुन लो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर जागने की भी कोई कोशिश नहीं करेगा। उस्ताद अगर हमने यहाँ पे बंदी रहना था तो हम जेल से निकले क्यों थे? बात सुनो कान वाले तरबूज, तुम वहाँ से निकले नहीं थे, मैं निकाल के लाया हूँ। वो ठीक है, लेकिन हम तो जेल से इंतकाम किया। कौन सा इंतकाम भाई? बच्चों से इंतकाम। यार तुम्हारे बस का काम नहीं है, वो उन बच्चों से कितनी मार खा चुके सब मालूम है मुझे। वो ठीक है। तो क्या ठीक है, इतनी दफा पिट के भी तुम्हारे लिए सब ठीक है? नहीं बहुत नहीं, एक आध बार हल्के से पिटे, बस हमको ये पता करना है। तुम तब तक ये पता नहीं चला था कि उनकी ताकत का राज क्या है? ये भी पता करना है। सब पता कर लिया मैंने। अच्छा तोड़ भी निकाल लूँ। क्या तोड़ निकाला है? अपने टाइम पे बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा कम अज कम 2 महीने तक। 2 महीने बहस नहीं चाहिए, जो कहना था कह दिया। मैं तो जरूर जाऊंगा, भेस बदल के छप्पड़ में निकल जाऊंगा। समझ में नहीं आता आखिर करूँ क्या, पढ़ाई खेल कूद खाने पीने हर चीज में ही सबसे पीछे। अरे बहन तुम परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर कैसे ठीक होगा? अरे तुम्हें याद नहीं है पहले शौकत भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन अब देखो। लेकिन ये हुआ कैसे भाई? असल में हुआ ही। अरे भाई ये क्या बताएंगे हम, तो सुनो भाई हुआ ही है कि ये हमारी बहू पैसे बचाने के या कंजूसी के चक्कर में खुला दूध ले आती थी, और हमने गौर किया कि ये सारी गड़बड़ खुले दूध से हो रही है। हमने कहा नहीं बस अब इस घर में टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध ही आएगा। मगर फायदा क्या है इस दूध का? अरे भाई 6 तहों वाली महफूज पैकेजिंग की वजह से दूध की गिजाइत भी महफूज रहती है, और ये जरासीम से भी महफूज रहता है। सबूत चाहिए तो शौकत को देखो। हाँ वो तो वाकई बहुत तेज हो गया है। वैसे ये जो 6 तहों वाली महफूज पैकेजिंग का आइडिया है ना, हाँ हाँ, ये बचपने से हमारे दिमाग में था। अब हमारी बहू कहेंगी कि अब्बा आपने पहले तो नहीं बताया। अरे भाई हमारी आदत नहीं है शोबाजी वगैरह करने की। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीन ही नहीं होता कि ये वही शौकत है। कितना तेज और एक्टिव हो गया है। मगर कुछ भी हो इससे बदला तो हम जरूर लेंगे। आओ चलो हटो। अरे ये तो किसी तरह काबू में ही नहीं आ रहा। उठा भी नहीं जा रहा। हम एक साथ पढ़ते हैं, और जब एक साथ पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के दोस्त हुए ना, तो दोस्तों को कभी धक्का देकर गिराते नहीं है, बल्कि कोई दोस्त गिर जाए तो उसे उठाते हैं।
चलो शाबाश, हाथ दो अपना। ओ यार, हम तो यहाँ पे कैदी की तरह पड़े हुए और उस्ताद खुद घूमने निकल जाता है। शिकार करो चला जाता है, यहाँ पे होता ना तो सिर्फ दो ही काम करता है, यहाँ हमें ताड़ता रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर चिक चिक करता है, बस ताड़ता है, चिक चिक करता है, ताड़ता है, चिक चिक करता है। बताओ यार, घर से हीरो बनने निकला था मैं और डरा हुआ चूहा बन के रह गया। डरे डरे समय समय डरे डरे समय ऐसे कोने में छुपे है जैसे दिल में छुपा कोई चूहा। लगता नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता किसी काम में दिल मेरा नहीं लगता। चिक 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 ताड़ा, चिक ताड़ा, चिक ताड़ा, चिक 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 ताड़ा, चिक ताड़ा। दिल चाहे रख के घूमना, दिल चाहे रख के सोना सोना सोना, ओए दिल चाहे सोना। ओए बार कितना सोना है, जाहिल ये वाला सोना नहीं, गोल्ड। दिल चाहे रख के घूमना, दिल चाहे रख के सोना। दिल चाहे लाइफ मस्त मस्त, उस्ताद हो जिसने कोई ना। दिल चाहे लाइफ मस्त मस्त, दिल चाहे लाइफ मस्त, उस्ताद हो जिसने कोई ना। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। आओ 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 आओ। उस्ताद आ तो गए, क्या पूछ रहे हो कि आओ आओ? तुमने जरूर करनी अपनी चिक 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 ताड़ा, चिक ताड़ा, चिक ताड़ा, चिक 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 ताड़ा, चिक ताड़ा। नहीं लगता, नहीं लगता किसी काम में दिल मेरा नहीं लगता। पहली ही फिल्म में सबको पागल कर दिया, सारे हीरो को घर बिठा दिया। अच्छा जो खुद बैठा लगता हो वो पिता हीरो बन नहीं सकता। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता किसी हिसाब से तू हीरो नहीं लगता। ये उस्ताद तो चैन से ख्वाब भी नहीं देखने देता। आज काला चश्मा पाया अपनी पर में। अरे फिजा, क्या हुआ? वो देखो कहाँ? अरे इधर सामने। अरे ये तो वही है खड़ूस का चेला। हाँ हाँ, बस होलिया बदलाव है। अरे जैन, मुझे मोमो ने बताया था कि इसको अदाकारी का बहुत शौक है। अरे तो हमें क्या उससे? सुनो, अगर हम उसे अदाकारी का चांस दिलाने का झांसा दें तो फिर हम उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। मगर ये काम हम कैसे करेंगे? क्यों? अरे ये तो हमें पहचानता है। ओ हाँ, तो फिर इस काम के लिए निंदा और शौकत से हेल्प लेते। गुड, वो तो पीछे ही आ रहे हैं। हाँ उनको समझाते। समझ गए ना सारी प्लानिंग? हाँ समझ गए। ठीक है जाओ कॉन्फिडेंस से। ठीक है। उस्ताद फुल टाइट कुल्फी देना। भाई साहब जी, आप क्या टीवी ड्रामों में आते हैं? नहीं भाई, मेरा तो फोटो भी नहीं आया टीवी पे कभी। तो आप फिल्मों में तो काम नहीं करते? नहीं जी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है। वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अबू तो खुद फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं, टीवी फिल्म के सारे अदाकार आते रहते हैं मेरे घर, तो मैंने आपको क्यों नहीं देखा घर पे? तो आप अदाकार नहीं है? कमाल है, मैं तो अभी आपसे ऑटोग्राफ लेने वाली थी। वैसे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे चांस दिलवा दें। चांस? अरे आप तो बने बनाए हीरो हैं। बना बनाया। अच्छा पासपोर्ट बनाया? पासपोर्ट क्यों भाई, अब तो सारी शूटिंग पाकिस्तान से बाहर ही होती है ना। तो मेरा चांस पक्का है क्या? हाँ हाँ, समझे, आपका काम हो गया। अच्छा एक काम करें, अपना एड्रेस तो बताएं। हाँ जी, वो चौक के बाद घनी लैब गद्दे वाला है ना, उसके आगे इलियास पंचर वाले की दुकान है। ये जो बच्चे ना, बच्चे। कौन से बच्चे? अरे वही जो आए दिन तुम्हारे ठुआई लगाते हैं। अच्छा अच्छा वो। अच्छा मैंने पता कर लिया कि इनकी ताकत का असल राज जो है ना। हाँ जी, ये टेट्रा पैक पैकिंग में महफूज दूध है। इस टेट्रा पैक की ताकत को खत्म करने के लिए मैंने बड़ी रिसर्च के बाद एक नया जरसूमा ईजाद किया है, जिसका नाम है जिरांडोमाइसिन। जिरांडोमाइसिन? बाबा, तो नाम से पता चल रहा है ये बच्चा कितना होनहार होगा। ये जरसूमा अगर दूध में शामिल हो गया तो ये देखते ही देखते लाखों में तब्दील हो जाएगा और इस दूध की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देगा। वाह जी वाह, आज इस जिरांडोमाइसिन की वजह से साबित हो गया है कि नाम का शख्सियत पे बहुत असर होता है। और क्यों भाई अपना पौए होते है कि नहीं? वो तो नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सब रेडी है तो काम शुरू कर दे। ये काम इतना आसान नहीं है, इसे बात तो समझ के करना पड़ेगा। अगर कब करेंगे? कब, कहाँ और कैसे, ये मैं टाइम आने पे बताऊंगा। तो ये लोग टेट्रा पैक को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं। मोमो, अगर इनका मंसूबा कामयाब हो गया तो ये तो बहुत बुरा होगा। फिकर मत करो, दरअसल इन लोगों को टेट्रा पैक की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। ओके।
ओके सीन ये है कि आप विलन की कैद में और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ठीक है। विलन का हंटर पढ़ते ही आप हंसते हुए कहते हैं क्या? नवा आए सोने और जोर लगा बच्चे। ठीक है ठीक है समझ गए। ओके एक्शन। मसला कोई नहीं है। अम्मी क्या कर रहे हैं? अम्मी जी याद आ गई ना। अरे अपनी लाइनें याद रखें। अम्मी याद आ गई टेक करेंगे और अब की बार अम्मी नहीं करना। ठीक है एक्शन। आज तो मानना लगता है नवा आया सोनिया जबी इतनी जोर से मार रहा है बच्चे को। अरे क्या बोल रहे हैं आप? ईमान से बहुत जोर से मार रहे हैं। अरे भाई तो वो विलेन है वो तो जोर से ही मारेगा। आप अपनी लाइनें तो सही बोले। एक्शन। जान लेगा क्या? नवा आया सोनिया थोड़ा और जोर लगा। कट कट। क्या हुआ? यही तो बोलना था। अरे मगर इस तरह रो के नहीं बोलना था, हंस के बोलना था, हंस के चले। नवा आया सोनिया थोड़ा और जोर लगा भैया। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? आपने तो कहा हंस के बोलो। अरे इतने कोई लतीफा थोड़ी सुना है जो इस तरह हंस रहे हैं आप। एक्शन। एक मिनट अब क्या हुआ? वो देखे हंटर तो खा लिया ना मैंने, अब उसके आगे से सीन शुरू करते हैं ना। अरे नहीं भाई इस तरह नहीं होता, रियलिटी नहीं आती सीन में। आप अपनी लाइनें तो सही बोले। गलत जगह आ गया। चले एक्शन। खाली लग जाएगी। नवा आया है सोनिया है तो फिर एक काम कर ले भाई, तू तो हीरो का रोल कर ले, मैं विलन का रोल कर लेता हूँ। उस्ताद सालन मंगा रहे। अबे टेप लगा के मुँह पे। उस्ताद कौन सी फिल्म चल रही है? My name is चिरांद। ये मजाक का वक्त नहीं है, सीरियस बात हो रही है। ये देखो बाड़ों से दूध जमा करके इस किस्म के स्पेशल कंटेनर्स के जरिए फैक्ट्री पहुंचाया जाता है। इन कंटेनर्स में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का निजाम होता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और फिर इसको बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर देते हैं। यहीं पे काम दिखाएगा हमारा चिरांदो मैसीन। बेवकूफ, यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस दूध को ठंडा रखा जाता है, यहाँ पे जरासीम फैल नहीं सकते। उस्ताद क्या स्वेटर शोटर पहन के भी नहीं जा सकता? अरे जरसीमा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा स्वेटर कहाँ से लाएगा? जायलो वाली बात कोई नहीं करेगा। अब आगे खोल के देखो, ये पूरे का पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है और इसमें जगह जगह पे क्वालिटी कंट्रोल के चेक पॉइंट्स हैं। सुने दूध में केमिकल भी तुम लाते हैं? वही डाल देते हैं चिरांद। बेवकूफ, कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता, यहाँ से दूध पाइपों के जरिए जगह पहुँचता है। यहाँ UHT ट्रीटमेंट के बाद ऑटोमेटिक तरीके से टेट्रा पैक के डब्बों में दूध पैक हो जाता है। समझ गया, इधर से सीन शुरू होगा अपने चिरांदो मैसीन का। है जी। बेवकूफ, ये UHT है, UHT इसका मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। यहाँ पे जरसूमा डाल भी दिए ना तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। लो भाई ऐसे चिरांदो मशीन का फायदा क्या है जिसका कहीं कोई सीन ही नहीं बन रहा? ये फ्लॉप है। कोई फ्लॉप नहीं हुआ ये जरसूमा। ये देखो, ये है हमारा टारगेट, ये है आखिरी मरला, ये है वो गोडाउन या पैकिंग के बाद सारे डब्बे रखे जाते हैं। यहाँ काम दिखाएगा हमारा चिरांदो मशीन। अच्छा, ये तो वाला हीरो निकला जो फिल्म के आखिरी सीन में आता है। हाँ, और सारा मेला लूट के ले जाता है। उस्ताद हम मेले में डाका भी डालेंगे। अरे कहाँ से पकड़ के लाओ कान वाले तरबूज को? मेले में मिला था, मेले में। आए आए। किधर से शुरू करूं? से शुरू करते हैं। अब मजा आएगा। गिर गया। ये क्या हो रहा है? ये काम इनके बस का नहीं लग रहा, ये खाका के कुप्पा हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। डब्बे पे तो चढ़ा नहीं जा रहा इनसे। भाई तुम भी ना बस हथेली पे सरसों जमाने के चक्कर में रहते हो। भाई थोड़ा इंतजार कर लो। उस्ताद कितना इंतजार करें, पूरे 1.5 घंटे से जरसूमा डालने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं पर हुआ। भाई थोड़ा सब्र करो और अपना मुंह बंद रखो। उस्ताद मैं तो कहता हूँ जरसूमा ही फ्लॉप है। भाई बात सुनो, हर बड़ा काम करने में टाइम लगता है, टाइम। हाँ मगर बुरा टाइम आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है आने वाला है। रुक जाओ तुम सब। बड़ी काली जबान है मेरी। ये तो वही बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं है, बुरा टाइम है।
देख क्या रहे हो, पिटने के लिए तैयार नहीं हो क्या? अपना गपलू अते पवे, बेटा आगे बढ़ो, बिस्मिल्लाह करो। उस्ताद आप नहीं आएंगे साथ? नहीं नहीं मैं भी आ रहा हूँ, तुम लोग शुरू तो करो। पहले तुम पिट लो, बाद में वो पिट लेंगे। आज कोई नहीं बचेगा। उस्ताद काबू कर लिया है, जल्दी से टांगे तोड़ दो। तुम क्या समझते थे तुम अपनी साजिश में कामयाब हो जाओगे? टेट्रा पैक की 6 लेयर वाली पैकेजिंग में हवा और रोशनी दाखिल नहीं हो सकते, तो जरासीम के घुसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस्ताद वैसे सवाल तो हमारी बचने का भी पैदा नहीं होता। भागो। भाग गए।